वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर लर्निंग क्लास 8 चैप्टर 3 स्प्रेडशीट रेंजेस एंड फंक्शन के पार्ट 3 को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं वर्किंग विद रेंजेस, और इसमें हम लोग बात करेंगे सिलेक्टिंग अ रेंज और नेमिंग अ रेंज। और सिलेक्टिंग अ रेंज में देखिए आपको क्या करना है, एक्सटेंडिंग अ सिलेक्शन, सिलेक्टिंग मल्टीपल रेंजेस साइमल्टेनियसली, सिलेक्टिंग कंप्लीट रो और कॉलम, सिलेक्टिंग एंटायर वर्कशीट, राइट। तो आज हम लोग इन सब चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग विद रेंजेस। तो सपोज हमने इस सेल को एक्टिव सेल बना लिया, और पहले हम लोग बात करेंगे सिलेक्टिंग अ रेंज, और उसमें हमारा पहला पॉइंट है एक्सटेंडिंग अ सिलेक्शन, हमें सिलेक्शन को एक्सटेंड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आपकी फंक्शन की होती है F1 से लेके F12, जिसमें आपको F8 प्रेस करना है। देखिए अभी आपका स्टेटस बार में यहाँ पर रेडी दिखा रहा है, ये आपका स्टेटस बार होता है। अब जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका लिख के आने लगा एक्सटेंड सिलेक्शन। अब देखिए अब आप जहाँ तक भी क्लिक करेंगे, अभी आपकी सेल A4 सिलेक्ट है, आप जहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो देखिए वो पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेगा, राइट। और जो भी आपकी शेप होती है रेंज की, या तो वो स्क्वायर होगी या तो वो रेक्टेंगल होगी, इरेगुलर शेप नहीं होती है, राइट। और रेंज क्या होती है, रेंज आपकी ग्रुप होती है या ब्लॉक ऑफ कंसेक्यूटिव सेल्स होती हैं, राइट, किसी भी वर्कशीट में। और सिलेक्शन कैसे पता चलता है, वो या तो सराउंडेड होती है बाय ब्लैक आउटलाइन और बॉर्डर से, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ब्लैक बॉर्डर आ रहा है, राइट। तो इससे आपको पता चल रहा है कि इतना सिलेक्शन हो चुका है। अभी भी देखिए एक्सटेंडेड मोड में है, तो आप जहां पर भी क्लिक करेंगे आपका सिलेक्शन एक्सटेंड होता जाएगा, और आप रिड्यूस करना चाहें तो रिड्यूस भी कर सकते हैं। अब आप इससे बाहर कैसे निकलेंगे, इससे बाहर निकलने के लिए अगर मान लो आपने जो भी आपको सिलेक्टेड सेल रेंज लेनी थी आपने ले लिए, अब उसके बाद आपको इससे बाहर आना है, तो आप अगेन F8 प्रेस करेंगे। तो देखिए जैसे ही आपने F8 प्रेस किया तो यहां से एक्सटेंडिंग मोड हट गया, राइट। अब आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है करा सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सटेंडिंग अ सिलेक्शन। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सिलेक्टिंग मल्टीपल रेंजेस साइमल्टेनियसली। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप कोई भी रेंज सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको रेंज लेनी है, राइट। ये आपका तब काम आता है जब रेंज आपकी एडजेसेंट नहीं होती है, राइट। देन अब आपको सेकंड रेंज लेनी है जो कि इसकी एडजेसेंट नहीं है, देन आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और जो भी रेंज आपको लेनी है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। यही सेम प्रोसेस आप फिर रिपीट कर सकते हैं अगर आपको और भी कोई सिलेक्शन लेना है, फिर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और फिर से जो भी रेंज लेनी होगी उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आप मल्टीपल रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो कंट्रोल की आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है जब भी आप मल्टीपल सिलेक्शन करते हैं, राइट। तो आपको मल्टीपल सिलेक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, सिलेक्टिंग कंप्लीट रो और कॉलम। देखिए एक तरीका तो ये है कि अगर आपको होल कॉलम सिलेक्ट करनी है तो आप कॉलम हेडिंग पर क्लिक कर दीजिए, राइट, और अगर आपको होल रो सिलेक्ट करनी है तो आप उस रो के नंबर पे क्लिक कर दीजिए, राइट। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, अगर आप एंटायर रो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस कर दीजिए, तो एंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगी, राइट। और अगर आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार सिलेक्ट करेंगे तो वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल के साथ स्पेस बार करेंगे तो पूरी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आपने पूरी कॉलम सिलेक्ट कर रखी है और उसके बाद आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार सिलेक्ट करेंगे तो वो पूरी शीट सिलेक्ट कर देगा, राइट। एक तरीका तो ये है। तो आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब बचती है बात सिलेक्टिंग एंटायर वर्कशीट। तो देखिए एक तरीका तो आपने सिलेक्टिंग एंटायर वर्कशीट का समझ ही लिया, पहले आप किसी भी पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर लें फिर पूरी रो की शॉर्टकट की यूज कर लें तो वो पूरी आपकी एंटायर वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए का यूज कर लें तो आपकी एंटायर वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी, राइट। तो आपका ये पार्ट भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेमिंग अरेंज। तो हमने आपका टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी डेटा बना रखा है, हम इसी डेटा को यूज करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए अब आपने सिलेक्शन करना तो सीख लिया है,
तो अब आपको क्या एंटायर कॉलम सेलेक्ट करनी है? नहीं। क्या आपको एंटायर रो सेलेक्ट करनी है? नहीं। आपको एक पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट करनी है, तो आपने पहली सेल को सिलेक्ट कर लिया, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, F8 की प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो देखिए एक्सटेंड सिलेक्शन का ये मोड आ जाएगा। अब जहां पर आप लास्ट सेल है वहां पर क्लिक कर दीजिए जाके, तो देखिए ये पूरी रेंज आपकी सिलेक्ट हो गई, राइट। अब आपको फिर से एक्सटेंड मोड हटाना है तो अगेन F8 प्रेस कर दीजिए, तो देखिए ये मेथड हो गया एक सिलेक्ट करने का। दूसरा तरीका होता है कि आप माउस से पूरी रेंज सेलेक्ट कर लें, राइट। और देखिए तीसरा तरीका क्या होता है कि आप क्या करें, जो भी आप रेंज लेना चाहते हैं उसमें आप क्लिक कर दें जाके और कंट्रोल A प्रेस कर दें, तो वो पूरी पर्टिकुलर एडजेसेंट सेल्स को कवर कर लेता है, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे तो जहां तक आपका डेटा फिल होगा वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करेंगे तो आपकी जितनी भी कॉलम्स में डेटा फिल होगा एडजेसेंट वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन देखिए ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ टाइप कर रखा है और अब आप अगर इसको यूज कर रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, तो ये आपका ब्लैंक तक ही रखेगा, राइट। उसके बाद आप करेंगे तो ये पूरी एंटायर रो सेलेक्ट कर देगा, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सपोज हमने क्या किया, इसको हटा देते हैं, हमने क्या किया कंट्रोल ए कर लिया, नहीं कहीं पे भी रख लीजिए आप, यहाँ पर कंट्रोल ए रख के सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। देन अगर कंट्रोल ए करेंगे तो पूरी एंटायर वर्कशीट सिलेक्ट कर लेगा, राइट। वो तब के लिए होता है जब ब्लैंक होती है आपकी। तो कंट्रोल ए किया तो आपकी पूरी रेंज सिलेक्ट हो गई। अब आपको इसको नाम देना है, राइट। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए नेम बॉक्स होता है, अभी देखिए पहली सेल का रेफरेंस देता है B2 जहाँ से आपका सिलेक्शन स्टार्ट हुआ है, और अब इसको आपको नाम देना है ऑफिस आइटम्स। तो आप नेम बॉक्स पे क्लिक करिए और जो भी आप नाम देना चाहें, हम यहाँ पर आपकी बुक का रेफरेंस ले रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर ऑफिस आइटम्स ही लिख रहे हैं। आप जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं जिस भी रेंज को, राइट। तो हमने इसका नाम ऑफिस आइटम दे दिया। देखिए जब भी आप सिलेक्ट करेंगे इस रेंज को तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ऑफिस आइटम्स लिख के आ जाएगा, राइट। देखिए फायदा इसका क्या होता है, जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करें तो उस केस में ये आपके लिए बड़ा ही यूजफुल रहता है, राइट। तो अगर आप यहाँ पर काउंट एल फंक्शन लगाते हैं सपोज, या जो भी फंक्शन लगाते हैं, और यहाँ पर आप लिखते हैं ऑफिस आइटम, राइट। देखिए ये ऑफिस आइटम आ गया, तो ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई, और एंटर कर दीजिए तो ये टोटल आपके 12 आइटम्स हो गए, राइट। यानी कि 12 सेल्स कवर कर रहा है, राइट। इसी तरीके से आप अगर इसको नाम देना चाहते हैं, राइट, तो आप इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए QTY, राइट। अब आप इसका सम करना चाहते हैं, इक्वल्स टू सम, और लिख दीजिए QTY, राइट, एंटर कर दीजिए, तो देखिए सम इसका 47 आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी रेंज को नाम दे सकते हैं, जो कि आपका क्या कहलाता है, नेमिंग अ रेंज। और भी कई मेथड्स होते हैं नेमिंग के लिए, जो कि आप फॉर्मूला टैब में सीखेंगे। ये देखिए नेम मैनेजर, राइट। तो अभी आपके कोर्स में वो नहीं है, आपको सिंपल यहीं से सिलेक्ट करके नेम बॉक्स का यूज करते हुए नेमिंग करनी है, राइट। तो आई थिंक आपको वर्किंग विद रेंजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कैसे आप सिलेक्ट करते हैं रेंज को, कैसे आप अपने सिलेक्शन को एक्सटेंड करते हैं, कैसे आप मल्टीपल रेंजेस को साइमल्टेनियसली सिलेक्ट करते हैं, कैसे आप एंटायर कॉलम एंटायर रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, और कैसे आप अपनी एंटायर वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और फाइनली जो आपने सीखा वो कैसे आप अपनी पर्टिकुलर रेंज को नाम दे सकते हैं, राइट। तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।